खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर मड़ियाओं से, मछलीसर सांसद बीबी सरोज के निजी अंगरक्षक ड्यूटी पर तैनात मड़ियाओं के सिपाही की पिटाई कर दी, जिससे मौजूद नागरिकों ने सांसद के वाहन को घेर लिया। मड़ियाओं सीओ के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि रामरथ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाही साहबलाल यादव रामरथ को पास करा रहा, तभी सांसद बीबी सरोज की गाड़ी आ गई और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बुलाकर कहा, तुम्हें वीआईपी गाड़ी नजर नहीं आ रही। सिपाही को कुछ समझ में नहीं आता, उससे पहले निजी अंगरक्षक ने सिपाही की पिटाई कर दी, जिससे गुस्साए हुए सिपाही ने सांसद के वाहन के सामने खड़ा होकर काफी लोगों को रोक दिया। वहां मौजूद नागरिकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कस्बा प्रभारी घनश्याम शुक्ला ने सिपाही के अंगरक्षक को लेकर कोतवाली के अंदर चले गए। सूचना पाकर सीओ राजेंद्र कुमार भी तत्काल कोतवाली मड़ियाओं पहुंचे। बीच बचाव में मामला शांत हुआ। दिखाते हैं यह वायरल वीडियो। बता दें, इस मामले को देखकर मड़ियाओं के लोगों का भी गुस्सा फूटा और घुसा थाने के अंदर और किया जमकर सांसद का विरोध। कैसे निकाल बाहर सारे के। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार मड़ियाओं की आम जनता घुसी थाने के अंदर। पुलिस प्रशासन हुई पूर्ण रूप से फेल, नहीं कर पाई भीड़ को काबू और देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सांसद बीबी सरोज की गाड़ी को तोड़ा। नंबर प्लेट चल रहा है।